वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच चुड़ैल, कला जादू और पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस अजीब और बेहद डरावने अनुभव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वह अनुभव मेरे चाचा और उनके दोस्तों के साथ कई सालों पहले हुआ था। मेरे चाचा और उनके दोस्त महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे। मेरे चाचा बिल्कुल भी भूतों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जब वे कोंकण महाराष्ट्र का क्षेत्र में भ्रमण कर रहे, तब वे सभी लोग एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि एक दूसरे से बातें करते करते कितना समय हो गया है और थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली थी। फिर उन सभी लोगों ने वहां पर रुकने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, हम सभी लोग यहां पर नहीं रुकते हैं। यहां पर बहुत ही घना जंगल है और हमारे चारों तरफ कब्रिस्तान है और आज पूर्णिमा की रात भी है। इस समय रात को बुरी आत्माएं निकलती है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। बाकी के चार लोग उस पर हंसने लगे कि भाई, तुम अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी कार को सड़क के एक तरफ रोक दिया और खाना खाने की तैयारी करने लगे। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी कि कोई किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रहा है और जोर जोर से एक शैतानी आवाज में मंत्र बोल रहा है और हंस रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह बहुत घबरा गए थे और उनकी घबराहट के कारण उनकी आवाज अंदर ही दब गई थी और वे सभी लोग बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें डर के कारण बहुत पसीना आने लगा था। उन सभी लोगों ने देखा कि चार या पांच लोग, जो सभी भूत थे, वे एक जुलूस निकाल रहे थे और एक शैतानी मंत्र गा रहे थे। वे एक मरे हुए आदमी का शव, वह मरा व्यक्ति भी भूत था, को अपने ऊपर रख के जा रहे थे। वे सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे और वे सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मेरे चाचा और उनके दोस्त उनको देखकर अपनी कार के पीछे छुप गए। वे बहुत भाग्यशाली थे कि उनकी कार के शीशे काले रंग के थे, जिसकी वजह से उन सभी लोगों को, यानी कि भूतों को, उनकी कार दिखाई नहीं दी। फिर वे सभी लोग वहीं पर सो गए और सुबह होने पर वे सभी लोग उठकर घर की तरफ चले गए। वे डर के मरे सदमे में थे। इस घटना के बाद मेरे चाचा, जो भूतों की बातों में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने कसम खाई कि वह वापस फिर कभी भी उस जंगल की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे और न ही ऐसी ऊपरी शक्तियों का मजाक उड़ाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।